हेलो एवरीवन, वेल्कम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की जो सीरीज है क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, और आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो कवर करना है वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक टाइप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो टॉपिक हमने कवर करने हैं। तो जब हम कहते हैं कि वाटर इन द एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है कि अर्थ से जो एवेपोरेशन होने के बाद पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, तो वो कुछ वेदर फिनोमिनाज एंड क्लाइमेटिक टाइप को शेप देता है। तो वो जो वाटर जब एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उस प्रोसेस में वाटर दोबारा से गैस फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है और प्रेसिपिटेशन करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वाटर इन द एटमॉस्फेयर के, कि पानी जब गैसियस फॉर्म से दोबारा से कंडेंस होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। और जब कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। तो क्लाउड्स आर द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर लिक्विड इन कैरेक्टर, और जब ये क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो इन क्लाउड फॉर्मेशन से प्रेसिपिटेशन भी होती है। तो ये तीनों टॉपिक जो है बहुत कनेक्टेड टॉपिक है। तो फर्स्ट हम पिक कर रहे हैं कंडेंसेशन एंड इट्स टाइप। तो कंडेंसेशन की जो परिभाषा यहाँ पे लिखी है कि कंडेंसेशन इज अ चेंज ऑफ फिजिकल मैटर फ्रॉम गैसियस फेज टू लिक्विड फेज। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर टू वाटर में आना इज कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन तीन प्रकार की होती है, एक है ड्यू एंड फ्रॉस्ट, दूसरी है फॉग एंड मिस्ट, तीसरा प्रकार है क्लाउड्स। तो ये तीन प्रकार हैं कंडेंसेशन के। जो फर्स्ट टाइप है इसमें ड्यू एंड फ्रॉस्ट में, तो हमें समझना पड़ेगा कि कंडेंसेशन में ये तीन कैटेगराइजेशन क्यों है। जब भी कभी कंडेंसेशन होनी है तो कंडेंसेशन के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या तो हमें कहीं ना कहीं पे सरफेस चाहिए जहाँ पे कंडेंसेशन अकर होगी, कि गैसेस से वाटर कंडेंस होके लिक्विड में आएगा तो एक सरफेस चाहिए। तो यदि सरफेस, जैसे हम यहाँ ग्रास ब्लेड्स को देख रहे हैं, तो उस पर आप सुबह के टाइम पे देखेंगे सर्दियों के दिन में कि टाइनी ड्यू फॉर्मेशन होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जिसको हम ड्यू बोलते हैं। अगर टेम्परेचर जीरो से कम है तो यही ड्यू फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि जनरली माउंटेनियस एरिया का फिनोमिना है या टेम्परेट लैटिट्यूड्स का फिनोमिना है। फ्रॉस्ट ड्यू ट्रॉपिकल में हो जाता है, जैसे जो हमारे क्लाइमेट हैं, जो नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेट है जो सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल का अर्थ है कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर डिप भी हो जाएगा। तो सर्दियों में ड्यू फॉर्मेशन आप देखेंगे कि सर्दियों में ग्रास ब्लेड के ऊपर ड्यू फॉर्मेशन है, गाड़ियों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर जो है ड्यू फॉर्मेशन के फिनोमिना है अर्ली मॉर्निंग में। यही फिनोमिना फ्रॉस्ट होगा अगर माउंटेन एरिया है या टेम्परेट लैटिट्यूड है, तो इसको बोलेंगे ड्यू एंड फ्रॉस्ट। दूसरा कंडेंसेशन का तरीका है कि फॉग बन सकती है। तो हमने जैसे देखा था कि सरफेस होना बहुत जरूरी है कंडेंसेशन के लिए। अगर लेट सपोज सरफेस नहीं होता, जो धुंध है जिसको फॉग हम बोल रहे हैं, अगर सरफेस नहीं मिलेगा तो एटमॉस्फेयर में एटलीस्ट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होना चाहिए। स्पेलिंग देखिए, HYGRO, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कोई भी फ्लोटिंग पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर व्हिच एक्ट एज अ न्यूक्लियाई और सरफेस फॉर द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स टू गेट कंडेंस्ड। कि कंडेंसेशन के लिए अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में फ्लोटेड फॉर्मेट में कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, तो उसके आसपास कंडेंसेशन हो जाती है। अगर ये होता है तो हम बोलेंगे फॉग क्रिएट होगी। जैसे ये भी जब हमारे लैटिट्यूड है इंडिया के, टेम्परेट लैटिट्यूड नॉर्दर्न इंडिया के, तो इन लैटिट्यूड्स के ऊपर यहाँ पे हम देखेंगे बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉग फॉर्मेशन सर्दियों में होती है, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है एयर में और टेम्परेचर डिप हो गया। टेम्परेचर डिप होने के कारण मॉर्निंग तक जब सबसे लो टेम्परेचर होता है उस टाइम पे वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ही या एयर में ही सस्पेंडेड फॉर्मेट में ड्रॉपलेट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे फॉग। अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है फॉग के अंदर और बहुत घनी धुंध है, तो उसको बोलेंगे मिस्ट। जैसे कई बार सर्दियों की रातों में आप देखेंगे कि मिस्ट फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है जब जो फॉग बहुत डेंस हो जाती है। तो मिस्ट अदरवाइज माउंटेनियस एरिया का फिनोमिना है या टेम्परेट लैटिट्यूड का फिनोमिना है। समुंदर के किनारे टेम्परेट लैटिट्यूड में मिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है कि बहुत घना जो है धुंध हो जाती है, तो इसको बोलेंगे फॉग एंड मिस्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इज क्लाउड। तो क्लाउड और फॉग में आप फर्क देखिए कि जो क्लाउड है, क्लाउड फॉग ही है, लेकिन बस दोनों में एलिवेशन या ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस है। अगर ग्राउंड सरफेस के ऊपर आपको धुंध देखने को मिल रही है तो हम उसे फॉग बोल रहे हैं।
अगर एट अ सर्टेन हाइट ऑफ लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और बियॉन्ड 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर इन द अपर एटमोस्फेयर और इन द अपर ट्रोपोस्फेयर इफ यू विल सी दीज टाइनी वाटर ड्रॉपलेट गेटिंग कंडेंस देन दीज विल बी कॉल्ड एज द क्लाउड्स। तो क्लाउड और फॉग में बस एल्टीट्यूड का ही डिफरेंस होता है, फिनोमिना दोनों में सेम है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ड्यू और फ्रॉस्ट में फर्क कि इस फ्लावर के ऊपर जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर ड्यू, तो इनको एक सरफेस मिला है कंडेंसेशन के लिए तो ड्यू बना है, फॉग नहीं बना। फ्रॉस्ट के केस में बस अगर कंडेंसेशन बियॉन्ड आप बोलोगे कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में हुआ है तो हमारा यहाँ पे फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे 3 फिनोमिनाज हैं, फॉग, मिस्ट एंड स्मॉग। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि माउंटेनियस एरियाज में जहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट है यहाँ पे मिस्ट का फिनोमिना है कि फॉग में मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरा एक फिनोमिना है जो अर्बन एरियाज का फिनोमिना है जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉग। स्मॉग इज अ फिनोमिना ऑफ अर्बन एरिया। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, कि अगर अर्बन एरियाज में फॉग है और वहां पे ऑलरेडी व्हीकुलर पॉल्यूशन के कारण या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा स्मोक अवेलेबल है तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है स्मॉग, जो कि अपने आप में एक हेल्थ हैजार्ड है। आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज, बी इट द डेवलप्ड कंट्रीज बी इट द डेवलपिंग कंट्रीज, सारे कंट्रीज के अर्बन स्पेसेस के अंदर स्मॉग बहुत फ्रीक्वेंट फिनोमिना है। जैसे लंदन स्मॉग बहुत फेमस है, लॉस एंजलिस स्मॉग बहुत फेमस है, टोक्यो में स्मॉग, न्यू दिल्ली में स्मॉग के फिनोमिनाज हैं। तो इस तरह के फिनोमिनाज को बोला जाता है जहां पे स्मोक प्लस फॉग मिक्स हो जाते हैं स्मॉग। नेक्स्ट इज अवर क्लाउड एंड देयर टाइप्स। तो थर्ड फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इज क्लाउड। क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल्टीट्यूड एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉइस्चर कंटेंट कुड बी कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स आर सीरस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड एंड निम्बस क्लाउड। हम इनकी सब्सिक्वेंट पीपीटीज में इनका शेप देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्लाउड इज अ सीरस क्लाउड। दीज आर द हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड विच आर फॉर्म बियॉन्ड 5 to 7 किलोमीटर हाइट। तो ये 5 से 7 किलोमीटर हाइट पे बनने वाले क्लाउड हैं। सीरस का अर्थ है ये हेयर लाइक क्लाउड हैं, बालों जैसे दिखते हैं, बहुत स्कैटर्ड हैं, एक जगह एक्यूमुलेटेड नहीं है, बहुत बारीक क्लाउड हैं। तो ऐसे क्लाउड को सीरस क्लाउड बोला जाता है। तो ये पिक्चर बहुत कॉमन पिक्चर है सर्दियों के टाइम की, जब आपको देखेंगे कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में इस तरह के क्लाउड दिखते हैं। इन क्लाउड से जनरली रेनफॉल नहीं होती। सेकेंड टाइप का क्लाउड है स्ट्रेटस क्लाउड। ये बहुत फ्रीक्वेंट फिनोमिना है, आप देखेंगे हर हफ्ते ऑलमोस्ट आसमान में इस तरह के क्लाउड बने होते हैं कि मल्टीपल लेयर्स, स्ट्रेटस है, स्ट्रेटा से ये वर्ड आया लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स में जब कंडेंसेशन होती है राइजिंग एयर की तो इस प्रकार के क्लाउड्स शेप में आते हैं। थर्ड इज अवर क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस का अर्थ है कि ये कॉटन के हीप की तरह दिखते हैं। कॉटन के हीप का अर्थ है कि जैसे कॉटन के एक एक्यूमुलेट करके एक जगह पे रख दिया जाता है रुई को और वो इस तरह से दिखेगा, इन क्लाउड को बोला जाता है क्यूमुलस क्लाउड। इसमें एक ही जगह पे मल्टीपल लेयर्स के अंदर बहुत ऊंचाई तक कंडेंसेशन हुई है और मॉइस्चर थोड़ा सा कंडेंस है, मॉइस्चर थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड है इन क्लाउड्स के अंदर। तो इस तरह के क्लाउड आजकल इस फिनोमिना में स्प्रिंग टाइम पे इस प्रकार के क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइप ऑफ क्लाउड इज निम्बस क्लाउड। निम्बस का अर्थ होता है रेन बियरिंग क्लाउड, मीन्स कि इन क्लाउड्स, एक तो ये लो ऑल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं, बहुत करीब होते हैं सरफेस के। आप देखेंगे मानसून के दिनों में ऐसे क्लाउड दिखेंगे या सर्दियों के दिनों में जब बहुत घने काले बादल होते हैं तो इस तरह के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर जनरली ग्रे टू ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द क्लोजली पैक्ड मॉइस्चर कंटेंट इन द क्लाउड, कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं क्लाउड्स की ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और इसीलिए इनका कलर थोड़ा सा डार्क दिखता है, तो इनको बोला जाता है निम्बस क्लाउड। तो ये रेन बियरिंग क्लाउड हैं, सबसे ज्यादा बारिशें यही क्लाउड करते हैं क्योंकि ये क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। जिस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट हुई थी, अब वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर इन वाटर ड्रॉपलेट को और सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं रख सकता। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर वेट ये सारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर अलॉन्ग विद द वाटर वेप, अलॉन्ग विद द वाटर ये जमीन पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो थर्ड अवर टॉपिक इज, फर्स्ट वॉज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से हमारा
लिंक्ड है क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन से लिंक है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक जेनरिक वर्ड है। प्रेसिपिटेशन के चार प्रकार हैं कि प्रेसिपिटेट होना, अर्थ के ऊपर बारिश या स्नो या ओले गिरना, जिसको स्लीट या हेल स्टॉर्म बोलते हैं। ये तीन चार प्रकार के फिनोमिनास अर्थ के ऊपर हैं। जो रेनफॉल है, अब प्रेसिपिटेशन के चार टाइप हैं। सबसे पहले हम पिक कर रहे हैं रेनफॉल, स्लीट, हेल एंड स्नो। अब आप देखिए कि रेनफॉल केवल लिक्विड फॉर्मेट में है इनमें से, बाकी ये सारे जो हैं ये सॉलिड फॉर्मेट में, आइस के फॉर्मेट में। स्नो बहुत ज़्यादा हेक्सागनल पार्टिकल्स होते हैं, और स्नो के केस में जो सॉलिड फॉर्म में आइस गिर रही है अर्थ में, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कैरेक्टर की होती है। स्लीट के केस में होता है जब बारिश गिर रही है और अचानक से एक ठंडी एटमॉस्फेयर की लेयर आ गई, कि वाटर कंडेंस होने के बाद दोबारा से सॉलिड फॉर्म में चला गया, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है, तो उसको स्लीट बोलते हैं, ओले जिसको बोलते हैं। स्लीट के केस में अगर उसका साइज 5 मिलीमीटर से बड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं वो अब हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये थोड़े से डिजास्ट्रस हैं फॉर क्रॉप्स, फॉर ह्यूमन बींग और फॉर एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब प्रेसिपिटेशन और उसके टाइप चार प्रकार के हैं, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेनफॉल। तो रेनफॉल में हम तीन प्रकार के टाइप हैं रेनफॉल के, ऑन द बेसिस कि रेनफॉल किस कारण से हो रही है। तो ये तीन प्रकार हैं, इधर रेनफॉल इज कन्वेक्शनल इन कैरेक्टर, इधर रेनफॉल इज ऑरोग्राफिक इन कैरेक्टर, और इट इज फ्रंटल इन कैरेक्टर। तो ये तीन प्रकार की रेनफॉल होती हैं। तो एक एक करके तीनों को स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल का नाम आया है कन्वेक्शन करंट से, कि अगर एयर ऊपर को राइज करेगी, ऊपर को राइज करते वक्त एयर एडियाबेटिक कूलिंग में जाएगी और कंडेंसेशन होने के बाद बारिश हो जाएगी, तो इस प्रकार की रेनफॉल को बोला जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये गर्मियों का फिनोमिना है, जो हमारे प्री मानसून शावर जिसको बोला जाता है इंडिया में, या जो आजकल जो रेनफॉल हो रही है अप्रैल और मई में जो रेनफॉल होगी, ये सारी कन्वेक्शनल है, कि अचानक से 4-5 दिन बहुत गर्मी पड़ी और जो वाटर इवोपरेट हुआ अर्थ सरफेस से, प्लांट से, एनिमल से और ह्यूमन से, वो जाके क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और बारिशें करेगा। इस प्रकार की बारिश को बोला जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज प्रीडोमिनेंटली अ फिनोमिना ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन ट्रॉपिकल एरियाज में अधिक है इंटेंस हीटिंग के कारण, इसलिए कन्वेक्शनल रेनफॉल ट्रॉपिकल एरियाज का ही फिनोमिना है। इक्वेटर पे डेली शाम को 4 से 5 बजे के बीच में बारिश होती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। आइलैंड्स के ऊपर जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स है, वहां डेली शाम को बारिश होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल के, इसी की पूरा दिन इवोपरेशन हुई और शाम को वो इवोपरेशन बारिश के फॉर्मेट में प्रेसिपिटेट हो गया। सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑरोग्राफिक। ऑरो एक जर्मन वर्ड है, ऑरोग्राफिक का मतलब होता है कि माउंटेन, इन जर्मनी ऑरो मीन्स माउंटेन, कि पहाड़ के कारण अगर कोई बारिश होती है तो उसको बोला जाता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे पहाड़ एक तरफ से ग्रीन है, दूसरी तरफ से रॉकी सरफेस है। बेसिकली इट इज कि यहाँ पे रेनफॉल कम है, इस एरिया को बोला जाता है लीवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन। इस साइड को जहां पे बारिश हो रही है, इस साइड को बोला जाता है विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन। तो इन दोनों में फर्क देखिए, यहां से मॉइस्ट लेडन विंड आई है, मॉइस्चर लेडन विंड आई है, ये पहाड़ से टकराती है, और ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण इसमें एडियाबेटिक कूलिंग होगी। जैसे कन्वेक्शन रेनफॉल में एडियाबेटिक कूलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन करंट्स काम कर रहे थे, यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ एयर इज बिकॉज ऑफ द ऑरोग्राफिक बैरियर बाय द माउंटेन, तो उसकी वजह से लिफ्टिंग होगी, कंडेंसेशन होगी और इस तरफ पे बारिश हो जाएगी। जैसे ही विंड यहां से क्रॉस करके पहाड़ के दूसरी तरफ आएगी, अब इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है और विंड अब ड्राई हो चुकी है। जब विंड ड्राई हो गई और दोबारा से नीचे डिसेंड कर रही हैं, तो जब भी डिसेंड करेंगी इनकी एडियाबेटिक हीटिंग होगी और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये ड्राई भी विंड है और हॉट या वार्म इन कैरेक्टर है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसी विंड को एल्प्स के माउंटेन में बोला जाता है फोएन, या ऐसी विंड्स को रॉकीज में बोला जाता है चिनू। दीज आर अदरवाइज नोन एज कैटाबैटिक विंड्स, KATA। कैटाबैटिक विंड्स मीन्स जो पहाड़ के दूसरी तरफ उतरने वाली हॉट एंड ड्राई विंड्स हैं, उनको कैटाबैटिक विंड्स बोला जाता है। और इस प्रकार की रेनफॉल जो पहाड़ के विंडवर्ड साइड पे हुई है, इस तरफ हुई है, इस प्रकार की रेनफॉल को बोला जाता है क्योंकि माउंटेन उसके पीछे कारण था, ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग कारण था, तो उसको बोला जाता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल इज फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल में फिनोमिना है जहाँ पे फ्रंट फॉर्मेशन होता है। हमने जब डायग्राम देखा था, हमने देखा कि
मिडल लैटिट्यूड में दो एयर मास आके टकराते हैं और फ्रंट्स क्रिएट करते हैं और साइक्लोन्स बनाते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स। जब ये टेम्परेट साइक्लोन बनाते हैं उसी टाइम पे वार्म एंड कोल्ड फ्रंट भी बनते हैं। तो जहां पे वार्म एंड कोल्ड फ्रंट बनेंगे वहां पे फ्रंटल रेनफॉल होगी। तो रेनफॉल होने के पीछे कारण है कि वार्म मॉइस्ट एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर ओवरराइड करेगा और नंबर ऑफ क्लाउड्स बनाएगा, मींस कंडेंसेशन करेगा। जहां पे भी कंडेंसेशन होगी उन कंडेंसेशन से इन फ्यूचर प्रेसिपिटेशन भी होगी। तो इसको बोला जाता है फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंट बनने के कारण रेनफॉल हुई। तो तीन प्रकार की रेनफॉल हमने स्टडी करी है। फर्स्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो प्रीडोमिनेंटली एक ट्रॉपिकल का कैरेक्टर है और बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल या आइलैंडिक एरियाज में देखने को मिलता है। सेकंड प्रकार है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जो माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलता है या उन पहाड़ों में जो कोस्ट के नजदीक है, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, रॉकीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन्स हैं, ऐसे पहाड़ जो कोस्ट के नजदीक है वहां पे ये फिनोमिना देखने को मिलता है। थर्ड टाइप की रेनफॉल है फ्रंटल रेनफॉल, जो कि मिडल लैटिट्यूड का फिनोमिना है। दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस के टकराने के कारण फ्रंट फॉर्मेशन से बारिश होती है। अगर प्रेसिपिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड लेवल पे हम डिपिक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो एरिया इक्वेटर के नजदीक हैं उन एरियाज में रेनफॉल थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये वाले जो एरियाज हैं इक्वेटर के आसपास, जो डार्क ब्लू कलर से डिपिक्टेड हैं, ये कॉन्गो रिवर के आसपास, ये अमेजन रिवर के आसपास और ये आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, फिलीपींस, इनमें जो बारिशें हैं दीज आर दी कन्वेक्शनल रेनफॉल और हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है इन एरियाज में। ये प्रेसिपिटेशन जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे घटती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्लाइमेटिक टाइप्स। ये क्लाइमेट जो वर्ड है, क्लाइमेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेसिपिटेशन। तो अभी हमने जो प्रेसिपिटेशन देखा वो हमें अंडरस्टैंड करवाएगा कि वर्ल्ड में किस प्रकार का क्लाइमेट होने वाला है। तो क्लाइमेट के आधार पे बहुत सारे क्लाइमेट अर्थ के ऊपर प्रिवेल करते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के इंटरप्ले से ही इतने सारे क्लाइमेटिक टाइप बन जाएंगे। फर्स्ट क्लाइमेटिक टाइप है हमारा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट वो क्लाइमेट है जो इक्वेटर के आसपास प्रिवेल करेगा। मींस इस क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन। पूरे साल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा जैसे इक्वेटर पे होता है, लेकिन बारिशें भी ज्यादा होंगी। बारिश ज्यादा होंगी तो इन जगह पे बनेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल क्या है कि अमेजन रिवर के आसपास बहुत बारिश है इक्वेटर पे और हाई टेम्परेचर हाई प्रेसिपिटेशन रिजल्टिंग इनटू अमेजन रेन फॉरेस्ट, हवाइयन फॉरेस्ट। यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे एशिया में ये जो सारे एरियाज हैं जहाँ आइलैंडिक नेशन है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज देयर, दीज आर हैविंग ई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो इस प्रकार के क्लाइमेट को बोला जाता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्लाइमेट है हमारा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। सवाना का अर्थ है, देखिए रेनफॉल के अकॉर्डिंग तीन प्रकार की वेजिटेशन संभव है रेनफॉल के वेरिएशन से। बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बनेंगे फॉरेस्ट, बारिश थोड़ी सी कम होगी तो पेड़ कम होंगे और घास ज्यादा होगी, तो ऐसी जगह को बोला जाता है ग्रासलैंड्स। या फिर अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, जितनी ग्रासलैंड लेट सपोज फॉरेस्ट में हो रही है 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रेनफॉल, ग्रासलैंड में हो रही है 75 से 150 सेंटीमीटर की प्रति वर्ष रेनफॉल, लेकिन डेजर्ट में रेनफॉल है 75 से भी कम या 50 से भी कम, तो उस केसेस में वेजिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन तीन प्रकार की वेजिटेशन संभव है बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन। बहुत अधिक प्रेसिपिटेशन फॉरेस्ट, प्रेसिपिटेशन थोड़ी सी कम तो इतने बड़े ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर सकता पानी, तो थोड़ी बहुत घास उगेगी, घास भी नहीं उग सकती तो डेजर्ट बनेंगे। तो सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज सवाना। सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट वो क्लाइमेट है जो इक्वेटर से थोड़ी सी ही दूरी पे है क्योंकि रेनफॉल घट गई है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ग्रासलैंड हमारे ब्राजील में है जिनको कैंपोस बोला जाता है, ऐसे ग्रासलैंड हमारे वेनेजुएला में है जिसको लानाउस बोला जाता है। ऐसे ग्रासलैंड, सवाना नाम ही अफ्रीका से आया है, अफ्रीका के जितने भी हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हैं क्योंकि वो हर्बीवोर्स हैं जो ग्रासेस के ऊपर फीड करेंगे, उन ग्रासेस पे फीड करने वाले एनिमल कार्निवोर्स उनके ऊपर फीड करेंगे, इसलिए फूड चेन बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है ग्रासलैंड्स का। और यहाँ पे अफ्रीका क्योंकि मोस्टली ट्रॉपिकल कंट्रीज में, तो सबसे ज्यादा सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के अंदर भी है। इंडिया में भी थोड़े से सवाना ग्रासलैंड है राजस्थान के आसपास जिनको बोला जाता है बनी ग्रासलैंड्स। ऐसे ही ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और नॉर्दर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोला जाता है, मीन बारिश कम है टेम्परेचर अधिक है। थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अवर मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून क्लाइमेट का अर्थ है
जहां गर्मियों में बारिश है और सर्दी में बारिश नहीं है, या जहां रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम है। ये जनरली कोस्टल एरियाज के आसपास वाले एरियाज हैं। जैसे इंडिया में मॉनसूनल कैरेक्टर है, 4 महीने 3 महीने मॉनसून के टाइम पे हैवी रेनफॉल है, फिर पूरे साल कोई बारिश नहीं है। सेम ऐसे ही इंडिया के वाले ही लैटिट्यूड में बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स इस तरह का क्लाइमेट प्रिवेल करता है, जिसे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्लाइमेट टाइप इज ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप। हमने देखा था फॉरेस्ट बनेंगे इक्वेटर पे, इक्वेटर से थोड़ी दूर बनेंगे सवाना ग्रासलैंड, उससे थोड़ी सी दूर बने हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स।